हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद दीतिमन। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से वैकेंसी आई है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्थायी पदों पर आज अंतिम डेट है फॉर्म फिल करने की। योग्यता यहां पर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने स्नातक किया है तो आप यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वेतन यहाँ पर 34,800 आप लोगों को मिलेगा। परमानेंट जॉब है। एज यहाँ पर 22 से 35 वर्ष रखी गई है। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। शाम के 5 बजे से पहले पहले जो है वो आप लोग एप्लीकेशन कर दें। वेतन मान जो है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अधिकतम 34,800 जो है वो यहाँ रहेगा। पद जो है वो स्थायी हैं, परमानेंट हैं। अनिवार्य अर्हता जो है वो किसी भी संकाय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री आपने ली है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र जो है यानी कम से कम 22 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। अधिकतम जो है यहाँ पर देख सकते हैं जनरल कैटेगरी यानी अनारक्षित जो वर्ग है उसकी 35 वर्ष है। महिला चाहे यहाँ पर जनरल कैटेगरी को की हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हो, सभी की जो है वो 38 वर्ष रहने वाली है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो स्टूडेंट है उनकी 35 वर्ष रहेगी अधिकतम उम्र। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिक्त पद हैं उसमें 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित पहले से ही हैं। एससी एसटी चाहे पुरुष महिला है तो उनकी अधिकतम जो उम्र है वह 40 वर्ष है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग है तो उसमें 37 वर्ष है। विकलांगों के लिए जो है यहाँ पर उम्र जो है वो अलग अलग रखी गई है तो आप ये देख सकते हैं। तो एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है झारखंड लोक सेवा आयोग से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए। यहाँ पर कुल 64 रिक्त पद हैं और इन 64 पदों में से 32 पद यानी 50% सीटें जो कि महिलाओं के लिए पहले से ही आरक्षित हैं। कोटिवार रिक्तियों की संख्या जो है वो घट बढ़ सकती है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों का एग्जाम होगा। यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा आपकी 200 मार्क्स की होगी। यदि आप पहले से ही किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर सिलेबस आप लोगों को इसी तरीके का मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर इंडिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी जो है वो पूछी जाएगी। साथ में यहाँ पर झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति के कुछ प्रश्न होंगे। यानी 100 मार्क्स आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा। पेपर 2 सामान्य अध्ययन भी जो है वो 100 अंकों का होगा। एप्लीकेशन जो है वो कैसे करेंगे तो ये जो है इसकी मेन वेबसाइट है झारखंड लोक सेवा आयोग की। यहाँ पर लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ओपनिंग में आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर की एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने क्लिक किया तो ये पेज ओपन हो गया। यहाँ पर प्रेस रिलीज 8/6/2023, ये विज्ञापन पहले ही जारी हो गया था, लास्ट डेट निकल चुकी है बट इन्होंने आगे बढ़ा दी है, ठीक है। और आज जो है वो अंतिम डेट है, 5 बजे तक जो है यहाँ पर एप्लीकेशन आप कर पाएंगे। एडवर्टीजमेंट देखने के लिए आप लोग ये सेकंड नंबर का यहाँ पर जो है वो क्लिक करेंगे, कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आपको दिख जाएगी। सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को दिखा दूं कि डेट जो है वो बढ़ाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 64 रिक्त पद हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो है वो 17/7/2023 से 16/8/2023 शाम को 5 बजे तक, और परीक्षा शुल्क के लिए जो है वो आप 18/8 तक जो है शाम 5 बजे तक जो है वो भुगतान कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो परीक्षा शुल्क इन्होंने कहा है कि 600 रुपये प्लस बैंक चार्ज जो है वो जनरल कैटेगरी EWS अत्यंत पिछड़ा वर्ग से मांगी गई है। यहाँ पर झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति और जाति से यहाँ पर 150 रुपये प्लस बैंक चार्ज मांगा गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो यहाँ पर परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है, ठीक है। तो आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक शर्त और निर्देश जो है वो आप लोगों को ये जो इसकी मेन वेबसाइट है www.jpsc.government.in सारी चीजें आप लोगों को मेन वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करना है तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। जॉब बहुत अच्छी है, परमानेंट जॉब रहने वाली है ये। भारत के किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।